सारे पत्थर ही पत्थर गिरे हैं यार, ये देख रहे हो इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे बारिश में, उधर से सारे पत्थर पत्थर गिरते रहते हैं क्योंकि पूरे पत्थर ना गीले रहते हैं, पहाड़ गीले रहते हैं यहाँ पे, तो कभी भी कुछ भी हो जाता है भाई साहब। हो यहाँ से आ रहा, देखो ये तो अब लगा लो 55 kg प्लस ये तम ये पिट्ठू प्लस अपना और चलना, और वो भी देख रहे हो खड़ी डराई है भाई। भाई देखो यार गंदी तरीके से मार रहे हैं यार, अगर ऐसे मारोगे तो कहाँ ही कंट्रोल में आएगा भाई। जिस चीज़ का फाइनली वेट था, तो भाई हम पहुँच चुके हैं, कुछ नहीं पता था किसी को, तो मम्मी पहुँच गया तुम्हारा बेटा केदारनाथ। हर हर महादेव। बोले शंकर। सो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो फिलहाल हम लोगों की आज की केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है आज गौरीकुंड से। फिलहाल अभी आप देख सकते हो मैंने रेनकोट पहना, जीजा जी के साथ अभी मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी बारिश है, हालांकि अभी तक बंद कर रखा था बट हाँ इस टाइम पे खोल दिया इन्होंने, बट थोड़ा सा पत्थर गिरने का डर है, बट चलते हैं। और आज के 22 किलोमीटर की शुरुआत जो है हम करते हैं और देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। सो फिलहाल बारिश के आनंद लेते हुए हम चल रहे हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। सावन का महीना है, भोले बाबा का बुलावा है, सो चलते हैं और देखते हैं कैसा होने वाला है सफ़र। तो आप लोग भी एक बार कमेंट में हर हर महादेव टाइप ज़रूर करना, चलते हैं। सो गाइस इस टाइम पे अभी हमने रास्ता शुरू हो गया हमारा, और ठीक है हमारे नीचे देख पा रहे हो आप, आपको आवाज़ जो है क्लियर सुनाई दे रही होगी, कितना ज़्यादा जो है साउंड है। और अभी जस्ट हमने 100-200 मीटर ही हमने स्टार्ट किया चलना, और लजट बारिश में, हालांकि इतनी गर्मी तो नहीं है, ठंड हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बट हाँ भाई सांसें फूलनी चालू हो गई है, हाई इसमें पेन क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो 22 किलोमीटर कैसे कवर होंगे ये भी नहीं पता। मेन गौरीकुंड के लिए यहाँ से गेट पे है, और अभी जो है यहाँ से हमें आगे निकलना है, यहाँ से मेन तब यहाँ से ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो जस्ट मेरे बैक साइड पर ये मेन द्वार है यहाँ केदारनाथ महाराज के एंट्री के लिए, तो केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ से मेन द्वार स्टार्ट हो जाता है, और अब असली जर्नी यहाँ से शुरू है, यहाँ से ट्रैक अब 22 किलोमीटर होने वाला है। हालांकि यार घोड़े और खच्चर की भी फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड कराई है, अभी मॉर्निंग में इन्होंने हमसे इन्होंने पूछा था कि आपको घोड़े पे जो है ऊपर पहुँचना है, तो हमने ऐसी जनरली जो है रेट पूछे थे, तो ज़्यादा है भी नहीं रेट, बट यार मैं तो ये बोलूँगा अगर आपका हाथ पैर ठीक है ना तो फिर यार पैदल निकलो, क्या फ़ायदा उस दर्शन का यार, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई स्ट्रगल नहीं किया, डायरेक्ट आप सीधा पहुंच गए उन घोड़ों को, कितना पेन भाई एक घोड़े इतनी खड़ी चढ़ाई में जो चाहेंगे है ना, तो उनके लिए भी तो दिक्कत है ना यार बारिश में इतना। ये देखो बेचारे ऐसे खड़े हुए, ये देखो आ तो मज़ा आ रहा है काफ़ी यार, देखते कितने टाइम में हो जाएगा हमारा। 6 बजे से यहाँ से हमने टाइम देख के चले, करेक्ट 6:01 पर हमारा मेन द्वार से हम एंटर कर गए, और हाउ मच टाइम इट विल टेक आई डोंट नो, लेट्स सी। ये देखो अभी चढ़ाई चढ़ती झरना कितना प्यारा आ गया, यहीं से जा रहा है पानी, तो बरसात में कितनी दिक्कत देता होगा है ना। तो अभी हमने ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चल गए, और अभी से हमारी सांसें फूलनी चालू, आगे क्या होगा नो आइडिया। एक तो मैंने पूरे कपड़े फुल पहने हुए, तो गर्मी भी उससे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं अभी आगे जाके बाहर की जैकेट एंड स्वेटर उतार लूँगा, और उसके बाद आगे चलेंगे। तो गाइस ऑलमोस्ट हमने 3 किलोमीटर चल गए, और रात में देखो हमें मना किया था ना, वहाँ पे देखो क्या हाल हुआ है, सारे पत्थर ही पत्थर गिरे हैं यार, ये देख रहे हो इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, तो बारिश में यही दिक्कत होती है कि ऊपर ना पत्थर पत्थर गिर जाते हैं, तो इसीलिए रात में ट्रैक बंद कर देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और थकान भी हो गई है काफ़ी, पूरा पसीने से भीग गए थे, तो बारिश भी ख़त्म हो गई, तो हमने रेनकोट वगैरह उतार दिया। अब यहाँ से दोबारा से अभी तो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर हम चले हुए हैं, अभी तो 4 किलोमीटर में ही हालत है, अभी 18-19 किलोमीटर बचे हुए हैं, तो पूरा मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं पूरा भीग गया हूँ। हाँ अभी तो यार बहुत आगे जाना है। शाबाश, ये देखो हमारा बोला हार नहीं मान रहा है। दोस्तों अभी ट्रैक करने पे आधे रास्ते पे, आधा क्या 10% रास्ते कवर करने के बाद हमें एक प्यारी सी जगह स्पॉट हुई है। ओ भाई ये देखो
ज्यादा सही लग रहा है। जी और मैं पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, वो वहां से रेडी है, मुझे उन्हें पकड़ना है। 3, 2, 1 पकड़ लिया भाई, चीटिंग नो चीटिंग, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, इसका पास देना ही पड़ेगा। सो गाइस, ये घोड़े देख रहे हो कितना लगेज लेके चल रहे हैं यार, कितना टफ होता है इनके लिए ऐसे चलना, है ना। लुक एट दिस भाई, ट्रैक पे जैसे जैसे हम जा रहे हैं ना, तो वैसे वैसे इतने ब्यूटीफुल कैप्चर हो रहे हैं ना, मैं बता भी नहीं सकता। आप मेरी आवाज़ सुन के बोल रहे होगे कि यार कैसे हाँफ रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ समथिंग क्रेजी। और अभी फ़िलहाल देखो, यहाँ भी चढ़ना है, मेरे बैक साइड पर भी चढ़ना है। तो देखा आपने गाइस, कितने प्यारे प्यारे व्यू आ रहे हैं, और फिलहाल मेरे शूज़ में सारा पानी भर गया है यार, क्योंकि वहाँ पे ना पानी देख रहे हो आप, वो मतलब बिल्कुल ट्रैक से निकल रहा है, तो पूरे शूज़ में यार पानी भर गया। बट हाँ भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक होने वाला है, बिकॉज थकान तो देखो ज़रूर लगेगी, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। भाई एक बात आपको शेयर करना चाहता हूँ कि लाइक मैं जब घर से निकला था, तो घर वालों को कुछ भी नहीं पता कि मैं केदारनाथ पहुंच गया हूँ। सो इट्स अ बिग सरप्राइज, एंड थोड़ा सा उनके लिए शॉकिंग भी होगा, बिकॉज वहाँ से 400 किलोमीटर ट्रैवल करके स्कूटी में वो भी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। सो सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा उसके लिए कि बता नहीं पाया बाबा के दर्शन सावन में करने आया हूँ। सो थोड़ा सा यार उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, बिकॉज कुछ नहीं पता था किसी को। तो मम्मी, पहुंच गया तुम्हारा बेटा केदारनाथ, और अगले 3-4 घंटे में मैं केदारनाथ के दर्शन कर लूँगा। गाइस लुक एट द, कितना प्यारा लग रहा है देखो, वाह भाई कितना फ्लू में आ रहा है नीचे। ये पहाड़ों का एकदम गंगा जल से कम नहीं है भाई। भाई लोग जो भी वीडियो को देख रहा है यार, कमेंट नहीं रुकने चाहिए भाई, हर हर महादेव, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग ज़रूर होगी, लेकिन ट्रस्ट मी हर एक एक चीज़ दिखाऊंगा। भाई लोग ये है जन्नत, ये देखो, ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे ना आपको, बट मेरे नीचे देखो यार, मुझे देखने में भी डर लग रही है, पानी देखो कितने फ्लो से जा रहा है, वो देखो बैक साइड देखो, इतनी गर्मी लग रही है, मैं अपने देखना जूते कैसे दिखाऊंगा। 1, 2, 3 भाई ये है यार मेहनत, बोले शंकर देख रहे हो भाई, ऐसा खुशी खुशी जा रही है, ऐसा खुशी खुशी जा रही है यार। मेरा मन तो कर रहा था कि सुनाओ यार, मतलब हाथ पैर जब यार ठीक है तो चार लोगों का क्या कंधा लेके चल रहा है यार, चार लोगों का कंधा लेके कब जाता है यार इंसान। चलो ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है, बाकी वो चार लोगों की कितनी मेहनत है यार कंधे पे ले जाके, भाई 22 किलोमीटर वो भी खड़ी चढ़ाई में चलना, लाइक इट्स नॉट अ ईजी टास्क। हाँ हमें ही क्या भाई, हमें तो पैदल पैदल मजे मारने चलना है, सारे यहाँ धामों को क्लियर करना। हाँ यार थोड़ा सा टाइम का वो इशू हो गया यार, अभी आपको ऊपर दिखाऊँ भाई, यस ये बादल हैं, आपको कोहरा दिख रहा होगा, ये देखो उड़ रहे हैं, ये सामने से उड़ रहे हैं, देखो ये बिल्कुल ठीक सामने है, ये सारे बादल हैं उड़ रहे हैं ऊपर। तो भाई देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है उधर। तो भाई हमें यहाँ से बड़ा बड़ा से जर्नी भी ख़त्म करनी है, और फिर हमारा तुंगनाथ का प्लान जो था वो अभी थोड़ा सा डिले हो गया, सो यहाँ से हमें फटाफट दर्शन करके फिर तुंगनाथ के लिए भी निकलना है, और हमें पूरा बादलों ने इस टाइम पे घेर लिया भाई, ट्रस्ट मी
सामने पूरे बादल ही बादल हैं, नीचे अभी तक पहाड़ दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो डिफिकल्ट है बड़ा। बस यार बारिश ना हो जाए वरना दिक्कत हो जाएगी हमें, हम जहाँ पे हैं वहीं पर फंस जाएंगे फिर, क्योंकि ऊपर से पत्थर पत्थर गिरते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो भाई आवाज़ सुन पा रहे हो, ये पथरीली चढ़ाई है और अभी सबसे बड़ा जो है वाटरफॉल में हम पहुँच रहे हैं। भाई चलने में भी डर लग रहा है वहाँ पे, भाई साहब क्या फ्लो है इसका, भाई साहब ओ यहाँ से आ रहा, देखो ये भाई लोग ये देखो यार, ओ क्या प्यारा लग रहा है गाइस, भाई क्या वाटरफॉल है यार ये देखो, ओ भाई साहब ओ लेजेंड भाई, देखो ऊपर ये देखो यार, भाई क्या फ्लो है इसका, क्या फ्लो है। ओ भाई भाई लोग 10 किलोमीटर क्रॉस हो गए और अभी तक तो इतनी थकान लग रही थी कि मतलब लग नहीं रहा था कि चल पाएंगे, बट हाँ अब चलने में ना मज़ा आ रहा है भाई, एक एक नेचर ब्यूटी के एक एक चीज़ दिख रही है, वो प्यारे प्यारे झरने, वो प्यारे प्यारे बादल, नेचर व्यू, सो मज़ा आ रहा है यार कुछ भी कहो। अब तो मन कर रहा है कि यार 22 नहीं 40 किलोमीटर भी हो तो चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, हर हर महादेव। सो गाइस ये इमरजेंसी हेलीपैड है यहाँ पे और देख रहे हो पूरा बादलों से गिर गया भाई, क्या व्यू आ रहा है पूरा पूरा, और जब इमरजेंसी होती है हेलीकॉप्टर यहीं पे आता है, और फिलहाल हम दर्शन कर रहे हैं, कोई कई लोग ऐसे भी आ रहे हैं देख रहे हो आराम से अपना बैठ के, और कई लोग घोड़ों में भी आ रहे हैं, और कई लोग हमारे जैसे भी हैं जो पैदल चल रहे हैं। तो फिलहाल आप मेरे बैक साइड पर देख रहे हो कितने प्यारे बादल जो है हमारे बीच चल रहे हैं, और इस तरीके से जो है ट्रैक करने का आनंद कुछ और आ रहा है यार, बोले बाबा दर्शन करने आ रहे हैं। बस 10 किलोमीटर और रह गया यहाँ से, जो कि 1-1.5 घंटे में कवर कर लेंगे हम आराम से, बहुत आराम से, क्योंकि थकान क्या है हमें पता ही नहीं है, पहले तो लग रहा था कि कैसे होगा 22-23 किलोमीटर, बट यार मैं सच बताऊँ स्टार्टिंग के कुछ टाइम लगेगा क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, फिर बराबर आराम से मज़े व्यू देखते हुए जाते रहो तो पता भी नहीं लगता कुछ। तो गाइस फिलहाल हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं, एक बिल्कुल हमारे ठीक साइड सीधे, और यहाँ से एक नीचे होते हुए पुल क्रॉस करके वो सामने से निकल रहा है, सो हमें कोई आइडिया नहीं है, और अभी हम यहाँ पे आंटी बैठी हुई, आंटी से पूछते हैं आंटी कौन सा रास्ता शॉर्ट होगा, ये सीधे वाला यहाँ से थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ये नीचे वाला आंटी बता रही कि रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ऐसे घूम के जो है आपको लंबे जाना होगा, यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई है, बट हाँ आप लोग जल्दी पहुँच जाओगे उन्होंने बोला है, थैंक यू आंटी, अरे मारे। सो चलते हैं आगे, हाँ चलो चलो आओ आओ, तो चलते हैं फटाफट से क्योंकि दर्शन करने हैं, और उसके बाद फिर हमें बद्रीनाथ की तरफ को भी निकलना है आज ही के दिन में। फिलहाल अभी राममाड़ जो है 0.5 किलोमीटर रह गया, और हमारा ट्रैक अभी तक चल ही रहा है, फिलहाल नीचे का व्यू देखो आप, ये कितनी प्यारी नदी जा रही है, देखो यार उफनता हुआ पानी पूरा, अगर भाई इसमें कुछ मिलेगा भी नहीं, और देखो आगे से पूरा कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ओ भाई वो आ रही सामने से नदी, तो बार यार आप सभी लोग यार कमेंट कर दो हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो गाइस ये सीढ़ी से हमें नीचे उतर के आगे से जाना, देखो पुल पार करके भाई कितना टफ है, ये कितना फिसल रही है ना सीढ़ियाँ, मतलब अगर हल्का सा पैर फिसला और आप गए, सो यहाँ से हम आगे जा रहे हैं फटाफट आराम से पैर रख के, ये पहुँच गए हम सेतु पे भाई साहब। सो गाइस अभी हम सेतु पे पहुँच चुके हैं, और व्यू देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, मतलब इतनी तेज आवाज आ रही है, तो चलो चलो फटाफट पुल की थोड़ी कंडीशन खराब, चलो चलो चलो। दोस्तों भाई कम से कम नहीं भी तो 10-15 झरने आ चुके हैं, और ऐसे ऐसा व्यू यार अगर आपने देखा है ना तो बताओ यार, और नहीं देखा फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यार लाइक तो बनता है ना यार, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ओके देखो यार कितना प्यारा लगा।
गाइस अभी हम थोड़ा सा थक गए और यहाँ पे बैठ गए। जी अपना यहाँ पे ट्रेड लगा ट्रेड पे काम कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड रुकना नहीं चाहिए और यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ फिलहाल, है ना। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जाएंगे। अभी फिलहाल 9:15 हो गए और यहाँ से अराउंड 6 से 7 किलोमीटर होगा अभी, और तो देखते हैं 1 घंटे के अंदर अगर वो कवर होना तो चाहिए, है ना। हमारा आराम से अभी 15 मिनट में हो जाएंगे हम। हमारा ये है टारगेट है कि 10 बजे तक हम जो है वहाँ पे केदारनाथ मंदिर पहुँच जाएँ और 11 बजे तक वहाँ पे दर्शन हो जाएँ और 11 से सीधा नीचे होके 12-1 बजे तक नीचे होके 1 बजे सीधा यहाँ से निकल जाएँ। तो यार बच्चे को कैसे लेके चल रहे हैं? हाय क्यूट है यार भाई, ऐसे भी ट्रैवल कर रहे हैं। कैसा जा रहा भाई आपका सफर? बढ़िया जा रहा, भोलेनाथ की दुआ से। बच्चे को लेके चल रहे हैं आराम से। बोले बाप बोले हर हर महादेव। सो भाई देख रहे हैं बैग के अंदर बच्चे को रखा हुआ है, तो क्यूट लग रहा है यार वो, है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। उसको लेके ऐसे चल रहे हैं, ठीक है यार, इतने छोटे से उसमें यार केदारनाथ के दर्शन करा रहे हैं, और क्या चाहिए। केदारनाथ यहाँ से 7 किलोमीटर, बेस कैंप 5.5 किलोमीटर और छानी कैंप जो है 3 किलोमीटर है। और नज़ारे देखो यार, है ना। तो मैं भी बस इसी नज़ारों को मज़े लेते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ, कितना टाइम और लग जाएगा पता ही नहीं है। सो गाइस फाइनली हम अभी इतना ऊपर आ चुके हैं कि आई शो यू फर्स्ट लुक ऑफ हिमालय, जो कि पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है। तो वही दिखाता हूँ आपको कि ये देखो, दिख रहा है कितना सही लग रहा है ना। तो अभी हमें यहीं जाना है। गाइस एक रास्ता यहाँ से ये जा रहा है जो मेन है, बट हम शॉर्टकट से निकलेंगे। बंदे इधर से निकल रहे देखो, क्योंकि यार इतने ऊपर चढ़ाई करने के लिए ना हमें डायरेक्ट निकलना होगा और ये सबसे सही रास्ता लग रहा है मुझे। तो यहाँ से जाते हैं हम, मैं शॉर्टकट से ही निकलूँगा, मुझे नहीं जाना। बंदे कैसे चढ़े हुए यार, कितना स्ट्रगल है इनके लिए। पहले अपना अपना चल ही रहे, फिर प्लस इतना लोड इनके साथ में है, सो कितना दिक्कत होती है यार इनको। तो गाइस फिलहाल मैं भी शॉर्टकट यहाँ से अपना रहा हूँ और निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि इतना लंबा लंबा रास्ते से निकले तो हो गया। चलो भाई, लोग जा रहे होंगे, मैं तो आराम से पानी से जाऊंगा। तो भाई शॉर्टकट का ये है फायदा, हमने ये पानी से निकले थे ना, तो हमने उतना लंबा रास्ता जो दिख रहा है आपको वो सारा जो है बचा लिया। अराउंड 500 से 600 मीटर तो कम से कम होगा यार जो हम क्रॉस कर लिया, वरना उस लंबे रास्ते में जाते तो एक टाइम और थोड़ा सा लग जाता ना। बट यहाँ से शॉर्टकट से निकलने में फ़ायदा ये है कि हमारा टाइम बच रहा है, क्योंकि हमें आगे तुंगनाथ भी निकलना है। तो गाइस हम चल रहे थे पैदल और हमें ना पैदल में ही थकान लग रही है, भैया से मिलवाता हूँ। भैया तो अपना पैदल चल ही रहे हैं, प्लस साथ में इतना भारी है, क्या बोलते हैं भैया को, पिट्ठू लेके चल रहे हैं, प्लस पिट्ठू के साथ साथ कोई आंटी को भी बैठा के लेके चल रहे हैं। तो मतलब आप अभी ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हो? नीचे जा रहे हैं। तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं आपको? इतना आसान तो होता नहीं होगा। आदत हो गई है, आदत हो गई है। दिन में कितना चक्कर पड़ जाते हैं आपके? 2 चक्कर? हाँ, मतलब एक ऊपर जाना एक नीचे आना। अच्छा एक ही? अच्छा आप नीचे जाके आप रेस्ट करोगे। देखो यार ये भी कितनी बड़ी मेहनत है, यहाँ से अपना तो जाना ही जाना है ढलाई में, खुद का बैलेंस बनाना है, प्लस जो बैठे हैं उनका ध्यान और रखना है। तो बहुत ज़्यादा यार पहाड़ियों की ना लाइफ स्ट्रगलिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। उसके बाद भी यार ये ना बहुत डाउन टू अर्थ पीपल होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं। लोग बोलते हैं ना कि यार घमंड होता है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं भी पहाड़ी हूँ। भैया देखो कितना मेहनत से अभी यहाँ पे, मतलब लेजिट मैं दिखाता हूँ भैया का पसीना देखो कैसे, मतलब पूरे भीगे हुए हैं, पूरे भीगे हुए हैं। और तो 50-55 आप लगा लो, 55 kg प्लस ये तम ये पिट्ठू प्लस अपना और चलना, और वो भी देख रहे हो खड़ी डलाई है भाई, इतने नीचे जाना यार कितना मुश्किल हो जाता ना। कुछ तो नहीं खाली, बस भैया को गिफ्ट दूंगा कि मतलब यार भैया आप भी थोड़ा ठंडा भी। तो देख रहे हो यार कितना मतलब होता है ना कि इतने खड़ी चढ़ाई में यार उतरना प्लस चढ़ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है यार हम लोगों के लिए। पैदल चलना इतना मुश्किल है, तो अब लगा लो वो अपने साथ इतना भारी वेट लेके चल रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यार। दोस्त मिल गया कालू, यहाँ कालू कितना प्यार
गाइस अभी एक छोटा सा गांव आ चुका है यहाँ पे, काफ़ी कैंप कर रहे हैं, कैंपिंग हो रही है यहाँ पे काफ़ी। सो हमें तो खैर रुकना ही है, आधे घंटे से पौने घंटे में पहुँचना है हमें। तो लाइक चढ़ाई से अभी उतर रहे हैं, मतलब पैरों के ना नसें फूल गई हैं, पेन हो रहा बड़ा गंदा अब क्योंकि बहुत ज़्यादा चल गए, बट हाँ मज़ा बहुत आ रहा है नो डाउट। ये देखो भाई पहाड़ों पे क्या चल रहा है इनका, ये दो भाई ज्वाइन हो गए अपने भाई। हम चाह रहे शॉर्टकट से, उधर रास्ता है हम वहाँ से नहीं जा रहे, हमारा ये अपने रास्ते हैं भाई, हम पहाड़ी लोगों के अपने रास्ते होते हैं। अगर हम यहाँ से जाएंगे ना तो हमारा ऑलमोस्ट एक किलोमीटर बच ही जाएगा यार, बहुत घूम के रास्ता है, हालांकि फसलें बहुत है बेटा। जो लोगों ने अपने जो अपने को ज्वाइन कर लिया भाई अपना नाम बता देना, कहाँ से आ रहे हो भाई? बैंगलोर। अच्छा बैंगलोर से आ रहे हो, सोलो ट्रिप कर रहे हो? दोनों दोनों आप मतलब साथ के हो? अरे भाई बैंगलोर से बंदे यहाँ आ रहे, कहाँ कहाँ ट्रैवल कर लिया अभी तक? इधर अयोध्या। अयोध्या हो गया, हरिद्वार। अच्छा ऋषिकेश हरिद्वार करते हुए आए हो आप? ओके। अरे भाई कितने दिन का टूर है आपका? अपने को ज्वाइन कर लिया और यहाँ से अभी हमारे साथ जो है यात्रा कम्प्लीट करेंगे, मज़ा आने वाला है। तो भाई जिस चीज़ का फाइनली वेट था, तो भाई हम पहुंच चुके हैं, चेतन भाई ने हमें वहाँ से ज्वाइन कर लिया था और फाइनली केदारनाथ मंदिर जो है सामने में, और काफ़ी ज़्यादा अभी ठंड भी हो गई है यार ऊपर ना, मतलब क्योंकि यहाँ से बर्फीली हवा आ रही है। तो भाई फाइनली यार स्ट्रगल हमारा सक्सेस में बदल गया, हाँ फाइनली भाई बहुत प्लेन में यार, बहुत पीक पे हम इस टाइम पे। तो भाई बहुत दिक्कत हुई थी यार, फाइनली यार बाबा आ गए दर्शन करने आपके। देखो जैसे यहाँ पे घोड़े हुए थे, तो केदारनाथ यहाँ से फिलहाल 1.5 किलोमीटर है, और यहाँ देखो जितने भी आपको दिखेंगे वो सारे कैंप हैं, कैंप ही कैंप लगा रखे हैं, और वो ठीक सामने भी आपको दिख रहा होगा वहाँ सब कुछ होटल वगैरह है। तो बढ़िया भी लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है, ठंड हो रही है लेकिन ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा ना कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होने के कारण सांस थोड़ा सा फूल रही है तो दिक्कत हो रही है, और प्लस यार जो पतले लोग हैं ना उनका तो प्लस पॉइंट है भाई यहाँ पे, मैं तो हालत ख़राब है, मेरे पैर लेजिट कांप रहे हैं ऐसे, पैर खड़े अगर मैं खड़ा हो रहा हूँ ना तो मैं कहीं को भी चला जा रहा हूँ, मुझे पता तक ही नहीं लग रहा है ये हो रहा सीन। बोले इसमें क्या पानी लेके जा रहे हो? कहाँ से आए हो बोले? हरिद्वार से आए हो? अच्छा हरिद्वार से आए हो, और यहाँ से बिल्कुल नीचे? ना 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 यहाँ चढ़ा दिया के नंदा। अच्छा यहाँ लेके आए हो हरिद्वार से, और ये चढ़ा के वापस ले जा रहे हो? क्या बात है यार, देख रहे हो यार यहाँ अभी सावन चल रहा है तो पानी चढ़ाने आए हुए हैं, कितना सही है यार भोले बाबा को, इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है ना भोले बाबा की। देखो कितना पानी लेके जा रहे हैं, ये सब पानी चढ़ा के जा रहे हैं यार, कितना भाई मेहनत का काम है ना, यहाँ हमसे पैदल नहीं चल रहा है, और यहाँ ये 8-8, 10-10 लीटर पानी लेके आ रहे हैं। ठीक कर रखा है इन्होंने पहाड़ों में ना ये लगा के ऊपर तक, क्योंकि अगर कुछ पत्थर वत्थर आने वाले होंगे अभी, हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा ये क्रॉस क्रॉस साइन से दिख रहा है, ये ऐसे पूरे ऊपर पहाड़ तक कर रखा है इन्होंने, तो काफ़ी सही है यार, इससे क्या है ना पहाड़ों से पत्थर नीचे नहीं आएंगे, जो कैंपिंग करके रह रहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सो गाइस फाइनली अभी मेरे को जीजी मिल गए, क्योंकि जीजा जी तो बहुत पहले आके बैठ गए थे। मेरे तो यार पैर कांपने लग गए थे, मैं तो उधर पहले बैठ गया था यार। अरे नहीं हाथों में कुछ नहीं है सो अरे नहीं नहीं अरे जीजा जी रहने दो। तो उसके बाद अभी हम केदारनाथ के ठीक सामने हेलीपैड जहाँ पे है वहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ से पैसेंजर्स यहाँ से सीधा निकलते हैं। सो गाइस अभी हमने ले लिया प्रसाद, और ये बाबा को चढ़ेगा वहाँ केदारनाथ मंदिर में। तो ये सब चीज़ लेने के बाद अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर के अंदर, क्योंकि प्रसाद लेके जाएंगे और वहाँ से फिर कुंडे से जल भर के लेके आएंगे। ओके सो चलते हैं और देखते हैं, से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर अंदर मंदिर में जाया जाएगा, सबके यहाँ पे रजिस्ट्री होगी, तो आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, लाइक आधार कार्ड जो भी आपके पास है, DL वगैरह हो गया, सब कुछ अवेलेबल है। सो भाई देख रहे हो स्ट्रगल कितना यार, इतनी चढ़ाई में लेके जा रहे हैं यार भैया, बहुत मेहनत का काम है यार, है ना। सो
गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ केदारनाथ मंदिर की मार्केट में, और अभी फिलहाल पुल पे मैं पुल क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ से पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है और अराउंड यहाँ से 200 से 300 मीटर पे होगा यहाँ से मंदिर, तो अंदर चलते हैं। हालांकि बोल रहे हैं अभी मंदिर बंद होगा, 3 बजे के बाद खुलेगा, इसके बाहर जाके तो बैठ ही जाएंगे ना, वहाँ का देखते हैं कैसा व्यू है क्या होगा। हाँ तो गाइस अभी हम मंदिर प्रांगण में पहुँच गए और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। सो अब दिखाने वाला हूँ आपको जिसका इतने टाइम से आपको वेट था। ओके तो फाइनली यार काफ़ी प्यारा लग रहा है, सुकून है, जन्नत है भाई सच में। सो आई विल शो यू द टेम्पल ऑफ केदारनाथ इन 3, 2, 1। अभी फिलहाल यहाँ पे हम प्रसाद के लिए लेके आए थे, इसमें हमें अभी पानी भरना होगा इसमें, और जो कि भोले बाबा को चढ़ाना होगा, तो फटाफट से पानी भरते हैं। और ठीक मेरे बैक साइड पर आप देख रहे हो मंदिर, तो ये मंदिर पे चढ़ाना होता है, देन बैक साइड से कुंड होता है, कुंड से फिर पानी भर के घर को ले जाते हैं, बाबा जी को पानी चढ़ाना है। ओके तीन सो अभी ये प्रसाद लेके हमने पानी भर लिया और अब जा रहे हैं हम बाबा के अंदर मंदिर चढ़ जल चढ़ाने। सो जल चढ़ाते हैं उसके बाद फटाफट से ना थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि ये सुकून, इससे अच्छा सुकून कहीं नहीं होने वाला, ये जन्नत है भाई। यहाँ हर एक बंदे का सपना होता है यार केदारनाथ जाने का, और हमें आज सपना पूरा हुआ, और वो भी सडनली, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, तो बाबा के दर्शन, बाबा का बुलावा था, तो सक्सेसफुली अब दर्शन हो जाएंगे फाइनली इतने टेंशन इतने मेहनत के बाद। तो अंदर चलते हैं। और दोस्तों अभी मैंने पानी वगैरह भर लिया और अब बाबा जी को पानी चढ़ाने चलते हैं, बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अंदर चल के देखते हैं। सावन के महीने में बाबा जी के दर्शन, इससे बड़ा पुण्य का काम मैं आप खुद को नहीं समझूंगा। यहाँ बाबा ने बुलावा आया था तो हम पहुँच गए भाई सरसों के अंदर, और पानी चढ़ा के बाबा जी से देखते हैं। इसमें मेन केदार मंदिर के गेट पे खड़ा हूँ, और अंदर जो है फ़ोन अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, ले जाओ अपने जेब में रखिए, लेकिन अंदर अगर आपको फ़ोन ऑन करते हुए देख लिया तो वो फ़ोन जमा कर लेते हैं। तो अभी मैं दर्शन वगैरह काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए, भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, और अभी अंदर जो है काफ़ी नंदी महाराज हैं और श्री रामचंद्र भगवान और सीता माता हैं, और अपने लेकिन यहाँ के शिवलिंग की एक खासियत देखी मैंने, यहाँ के शिवलिंग जो है वो त्रिकोण साइड्स की थी, जैसे ट्रायंगल होता है ना उस साइज़ में जो है यहाँ की शिवलिंग थी, तो काफ़ी अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का। तो लोग काफ़ी लोग फोटोज़ खिंचवा रहे हैं देखो। सो गाइस दर्शन वगैरह करके आ गए हम, और अब फिलहाल कुंड पे जा रहे हैं, कुंड से हमें पानी भर के घर को निकल जाना होता है, तो कुंड में से फटाफट पानी भरते हैं और फिर उसके बाद वापस निकलते हैं। ओके तो यार मतलब पानी बहुत नीचे है, मतलब हाथ भी नहीं जा पा रहा, मतलब लगा लो इतना वो करने के बाद भी नहीं जा रहा, सो ये लेटना ही पड़ेगा। एक आ गया दूसरा। तो गाइस दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं ये भीमशिला पर्वत पे, और जस्ट मेरे बैक साइड पे भीमशिला पर्वत है। देखो यार क्या यहाँ हालत हुई थी ना, ये सारा जो है डिस्ट्रक्शन जो है अभी जितना भी ये किया था, ये सब यहाँ से ऊपर से पूरी पहाड़ बह के आ गया था, तो एकमात्र ऐसा पत्थर था जिसने केदारनाथ को बचाया था भाई। ये सब चमत्कार नहीं तो क्या है यार, है ना। तो फिलहाल देखो ये पीछे से इसका व्यू है ऐसा कुछ केदारनाथ का, ये भीमशिला पर्वत है और सामने त्रिशूल, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। यार अंदर तो मंदिर में ना फ़ोन की प्रोहिबिशन थी, मंदिर में अलाउड नहीं है फ़ोन ऑन चलाना, बट मैंने ऐसे फ़ोन जेब में रखा हुआ था, तो उन्हें ये लगा भाई कि फ़ोन ऑन है, तो वो चेक वेक करके फिर उन्होंने वापस किया। बहुत मतलब वहाँ पर डिफ़िकल्ट है यार। तो गाइस यहाँ पे हमने लगवा लिया टीका, काफ़ी प्यारा लग रहा है, जो कि प्यारा लग रहा है नहीं लग रहा है ये आप बताओगे कमेंट में। और पीछे केदारनाथ मंदिर है, तो अभी बारिश का मौसम हो गया, जितने जल्दी हो सके यहाँ से दर्शन करके निकलते हैं फटाफट से। ओके और निकलने के बाद फिर हमें और भी जगह जाना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर टाइम का इशू है,
जीजा जी की जॉब का भी है, और वैसे ही हमने बता के नहीं आए थे तो घर वाले थोड़ा सा लाइक गुस्सा है इस टाइम पे। गाइस अभी यहाँ पे हो चुकी है बारिश और हमारे दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो गए, मतलब हम अभी जस्ट रेनकोट पहन के बैठ गए बिकॉज जैसे ही हमारे वो हुआ अब देखो कपाट बंद हो चुके हैं और अब अंदर का तुम नहीं जा सकते, तो टाइमिंग अच्छी थी काफ़ी, बट यार एक बारिश ने थोड़ा सा ना वो बिगाड़ दिया, वरना हम सोच रहे थे कि अभी नीचे निकल जाएं, बट यार बारिश, चलो कोई नहीं, केदारनाथ में बारिश होती रहती है यार, कोई टेंशन नहीं वाली बात। सो दोस्तों केदारनाथ यात्रा फाइनली सफल हुई और हमने अच्छे से दर्शन वगैरह कर लिए हैं, अब वापस जा रहे हैं, तो आगे का कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यार, जो मेन दर्शन कराने थे वो तो करवा लिए है ना, आपको दिखा दिया, तो कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताना, और यार अपने प्यारे प्यारे कमेंट से एक बार हर हर महादेव टाइप कर स्पैम कर दो भाई, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, तो ये कमेंट करने बंद नहीं होने चाहिए, सभी लोग जो है कमेंट कर दो, और आप लोगों का कब का प्लान है यहाँ आने का ये बता देना, हालांकि सावन में थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि बारिश हो जाती है, देखो एकदम से बारिश हो गई ना, हम अच्छा खासा दर्शन करके आए थे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट हाँ मज़ा ज़रूर आता है क्योंकि इस टाइम पे ऑफ सीज़न है तो अच्छे से जो है हमारे दर्शन वगैरह हो जाते हैं, इजी होता है, तो चलो यहीं पे करता हूँ आज का व्लॉग एंड, और अब यहाँ से देखते हैं क्या होने वाला क्या नहीं, ओके। सो गाइस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, महादेव आपकी कृपा करें, एक बार जय श्री केदार सभी लोग टाइप कर देना ओके कमेंट में, और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग केदारनाथ आने वाले हैं, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, हर हर महादेव।